मुख्यमंत्री ने किन्सूर बागी पहुंचकर किया नयार उत्सव का शुभारंभ। क्षेत्र के विकास को लेकर सात घोषणाएं। इस प्रकार के उत्सवों के माध्यम से क्षेत्र में व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर की ग्राम पंचायत किन्सूर बागी पहुंचकर तीन दिवसीय नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़ी सात घोषणाएं करने के साथ गंगा नदी में महाशीर प्रजाति की मछली के सीड्स का प्रवाह, गंगा पूजा, राफ्टिंग दल को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य की ओर रवाना करने, बहुद्देशीय शिविर में लगे स्टॉलों का निरीक्षण सहित दीप प्रज्वलित कर नयार उत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के समापन के उपरांत उन्होंने धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा, नयार उत्सव 2024 के आयोजन से एक और जहां इस क्षेत्र में विश्व पटल पर पहचान मिलेगी, वहीं क्षेत्र पर्यटन गतिविधियों से व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़ी सात घोषणाएं की, जिसमें देवप्रयाग सतपुली मोटरमार्ग और देवप्रयाग बुआ खाल मोटरमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने, नांद नदी क्षेत्र में 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण, यमकेश्वर के अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम, यमकेश्वर क्षेत्र में पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगा भोगपुर के निकट बीन नदी के ऊपर डबल लेन आरसीसी पुल का निर्माण, द्वारी खाल के जाखड़ी खाल ढंडोली मोटर मार्ग का डामरीकरण और यमकेश्वर क्षेत्र में जमीन उपलब्ध होने पर डिग्री कॉलेज की स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, गंगा और नयार नदी के संगम स्थल और व्यास जी के तपोस्थली के पावन तट पर आयोजित तीन दिवसीय नयार उत्सव के माध्यम क्षेत्र में पर्यटन संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास और विस्तार होगा। क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। इन संभावनाओं को मूर्त रूप दिए जाने की ये उत्सव मील का पत्थर होगा। इस क्षेत्र को साहसिक खेल गतिविधियों के आयोजन से पर्यटन विकास को पंख लगेंगे। इस तरह के महोत्सव के क्षेत्र को नई पहचान मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने पौड़ी में 100 फीट ऊंचा झंडा और पार्क का निर्माण, पौड़ी में त्रिशूल पार्क का निर्माण, पौराणिक केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल मार्ग को पुनर्जीवित किया है। साथ ही श्रीनगर में अलकनंदा नदी किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का किया जा रहा है। साथ ही धारी देवी मंदिर में सुधारीकरण कार्य, पौड़ी के पुराने कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन का रूप और श्रीनगर गोला पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, समान नागरिकता संहिता को लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद योग्यता के अनुसार नौकरियां मिल रही, नकल माफियाओं को जेल में डाला गया। प्रदेश सरकार निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री को पवित्र चार वेद और स्मृति चिन्ह भेंट किए। पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरे और यहाँ पर ये सब गतिविधियाँ होंगी, इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बने और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा भांगों का क्षेत्र, ये नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो और यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएँ और तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, चाहे वो साहसिक खेलों के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में, जो विकसित उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और उत्तराखंड, खबर भारत वर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।